हे व्हाट इज अप सब ब्रदर्स, मैं हूं बिल और आप देख रहे हैं बिल्लू टेक्निकल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बैटल रॉयल गेम्स के बारे में, पर इसमें मैं पबजी को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि सबको पता है वो वाली गेम, और वो गेम बहुत ही हाई स्पेसिफिकेशन वाली। तो हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे वो है कि 1 GB के अंदर वाले गेम्स और प्लस जो कि लो एंड डिवाइसेस पर भी चल सके, तो ऐसे गेम्स के बारे में बात करेंगे ताकि सब जो है उन गेम्स को इन्जॉय कर सके। तो चलिए आज के लिस्ट के साथ शुरू करते हैं। नंबर वन दोस्तों, नाइव्स आउट। ये दोस्तों गेम जो है ये थोड़ी थोड़ी पबजी जैसी ही है, मैं बोलूँ तो पूरी जैसी पबजी है वैसी है। हाई ग्राफिक्स है और आपका जो है खुद के रूल्स की तरह से जो आप चाहते हैं वैसे खेल सकते हैं। सिटी भी जो है पबजी जैसी थोड़ी बनाई गई है, तो इन शॉर्ट जो है पबजी जैसी गेम है क्योंकि बैटल रॉयल गेम्स है तो सब पबजी को ही कॉपी करेंगे। तो ये थी हमारी पहले लिस्ट की गेम और इसकी साइज लगभग 29 MB है। फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको लगभग 300 या 400 MB का डेटा डाउनलोड करना पड़ता है, पर ज़्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा डेटा वाली गेम नहीं है, 1 GB के अंदर आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली गेम पसंद आएगी। अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, क्रॉस फायर लेजेंड्स। दोस्तों क्रॉस फायर लेजेंड्स खुद टेंसेंट की गेम है, तो समझ सकते हैं कि पबजी मोबाइल भी टेंसेंट की है और पबजी क्रॉस फायर लेजेंड्स भी टेंसेंट की है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में जो है कितना कंपैरिजन है। तो टेंसेंट अपनी गेम को गंदी तो नहीं बनाएगा क्योंकि उनकी फर्स्ट गेम इतनी रेप्यूटेड हो गई है। तो इन्होंने इस गेम में जो है लो एंड डिवाइसेस पे चले, इसलिए इन्होंने इस ग्राफिक्स बहुत ही कम कर दिए है। 724 MB की साइज़ में आ जाती है जो कि पबजी मोबाइल की जब पहली बार लॉन्च हुआ था तब की साइज़ है, और काफ़ी कम साइज़ में है। तो इसका जो गेम प्ले वो भी स्मूथ है, ऑप्टिमाइज़ बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, पबजी मोबाइल की तरह नहीं है, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ गेम है। और मैंने जो ये गेम खेली हुई है मोबाइल पे, और दोस्तों सच्ची में आप अगर आपके पास अच्छा 1 GB RAM या 2 GB RAM वाला मोबाइल है और आप में जो है पबजी मोबाइल अच्छे से नहीं चलती, आपके लिए ये गेम बहुत ही परफेक्ट रहेगी। थर्ड, सर्वाइवर रॉयल इस गेम के नाम यार। दोस्तों ये जो है थोड़ी बड़ी गेम है पर 1 GB के अंदर ही है, 0.98 GB की गेम है। इसमें भी आप जो है अपना खुद का अवतार वगैरह जो आप पबजी में बनाते हैं वो बना सकते हैं, अकाउंट साइन इन कर लीजिए और आप जो है पबजी की तरह ही खेल सकते हैं। फ्री फायर जैसी गेम है थोड़ी थोड़ी ग्राफिक्स में, पबजी की तरह ही है, और 0.98 GB में मतलब 1 GB के अंदर ही आपको मिल जाती है गेम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली गेम भी ज़रूर पसंद आएगी। किंग ऑफ हंटर। दोस्तों ये वाली जो गेम है ये 855 MB की साइज़ में आती है, पर दोस्तों इसमें जो अच्छी बात लगी मुझे कि इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट ट्राई किया गया है, थोड़ा अलग हटके जो है इन्होंने आइडिया लाई है। ये दोस्तों बैटल रॉयल गेम है पर अलग कॉन्सेप्ट से। इसमें दोस्तों आपको जो सिटी या फिर एरा मिलता है वो हिस्टोरिक एरा है, मतलब अभी के जो मॉडर्न में वैसे नहीं। आपको इसमें पबजी में आपको व्हीकल्स देखने मिलते, तो यहाँ पर आपको घोड़े या फिर बुलक कार्ड्स देखने मिलती है। ये मतलब एक तरह की से बाहुबली वाली गेम है आप बोल सकते हैं। इसमें आपको हॉर्सेस वगैरह जो पुराने झोपड़ी थे वैसे देखने को मिल जाता है, और ये थोड़ा हिस्टोरिक टाइप जो है ये गेम है पर बैटल रॉयल गेम है। तो मैंने इसको इस लिस्ट में ऐड किया है, 855 MB है, तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली गेम है हमारी लिस्ट में, वो है होपलेस लैंड फाइट फॉर सर्वाइवल। दोस्तों ये गेम जो है 325 MB की गेम है, और दोस्तों ये गेम जो है पबजी को भी टक्कर देने लायक ही है। इसमें दोस्तों आपको 121 प्लेयर्स एक साथ एक गेम में खेल सकते हैं, मतलब आप जो 100 प्लेयर्स खेलते हैं पबजी में वहाँ पर ही यहाँ 121 प्लेयर्स के साथ खेलना है, और अदर बाकी की सारी चीज़ें जो है सेम है जैसे पबजी में होती है, और भी कोई चेंजेस नहीं है। अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, फोर्टक्राफ्ट। दोस्तों ये गेम लगभग 420 MB की, और जब फोर्टनाइट एंड्रॉयड के लिए नहीं आया था तब सब जन यही खेलते थे जितने भी फोर्टनाइट के लवर्स थे, और उनको एंड्रॉयड पे खेलनी थी। काफ़ी अच्छी गेम है, फोर्टनाइट जैसी है इसका जो है, अगर आपको पता नहीं तो इसमें आप हर एक चीज़ कर सकते जो आप फोर्टनाइट में कर सकते थे, जैसे क्राफ्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, जो वुडन आप काट सकते हैं और घर को तोड़ सकते हैं वगैरह, बहुत सारे जितने भी फीचर्स आपको फोर्टनाइट में मिलते हैं उतने आपको इसमें भी मिलते हैं, और सिर्फ 420 MB की साइज़ में। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि आपको इतने कम साइज़ में इतना अच्छा गेम मिल रहा है। अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, सर्वाइवल हीरोज। दोस्तों ये गेम 520 MB का है, हाँ आपने सही सुना, पर ये गेम दोस्तों इसमें मैंने लिस्ट में इतने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि ये जिनको डोटा पसंद था, डोटा 2, और काफ़ी लोगों की ये फेवरेट गेम है, मैंने कभी नहीं खेली पर काफ़ी लोग साइबर में बैठ के ये जो गेम है ये 2-2 घंटे 4-4 घंटे खेलते थे जब पबजी और काउंटर स्ट्राइक का ट्रेंड नहीं था। काउंटर स्ट्राइक के बाद भी अभी भी इसके बहुत सारे लीग या चैंपियनशिप होते रहते हैं अलग अलग देशों में। तो ये वैसे टाइप की गेम है, आपको एक टॉप व्यू जैसा मिलता है पर बैटल रॉयल गेम है। सच्ची में दोस्तों ये बैटल रॉयल गेम के ही कैटेगरी में आती है, और आपको जो है सर्वाइवल हीरोज 520 MB में मिल जाती है, और जो है गेम के मोर देन 1 मिलियन प्लस डाउनलोड से, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी गेम नहीं उठा के दे दी आपको, बहुत ही अच्छी ट्रस्टेड गेम है। तो ये गेम भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में दिखाए गए सारे गेम्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक हो उसके लिए भी आप मुझे जो कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं किसके ऊपर अलग जो है टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।